अस्सलाम वालेकुम जी। 127 अप महर एक्सप्रेस मुल्तान से डिपार्चर कर चुकी है और इसकी लीड पे है HPU 20 8050 कुनिया बेस लोकोमोटिव और 5 मिनट लेट डिपार्चर हुआ इसका 15:45 पे। प्रेशर की ट्रबल थी थोड़ी बहुत तो उसी वजह से लेट डिपार्चर हुआ है। बड़ा स्लोएस्ट डिपार्चर है, 5 नंबर प्लेटफार्म से निकली है। आज डेट है 17 जनवरी 2024 बरोज बुध। टू डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस अभी तक मौजूद है, अभी अराइवल हुआ इसका ऑन द लीड ऑफ GU40। लोकोमोटिव नंबर अभी आपको बताते हैं। नाइन डबल ज़ीरो थ्री और साथ में 6009 ठहरा है G830 जो के वर्क करेगा 26 डाउन को। तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम पास कर रहे हैं, शेरशाह पहुंचने वाले हैं। मेन लाइन से हम पास हो रहे हैं, यहाँ पे 110 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड अलाउ है, बट HPU 20 110 पे भाग ही नहीं सकते, सो दैट्स वाई तकरीबन 95 या 100 को टच करते हैं मोस्टली।
पर तकरीबन 95 किलोमीटर पर आर स्पीड से ट्रेन पास हो रही है। बड़ी अच्छी पिकअप है HP 28050 की। शेरशाह अप्रोच कर रहे हैं हम और तकरीबन 10 मिनट लेट अरेवल हो रहा है हमारा शेरशाह। अभी चंद ही लम्हों में ड्राइवर साहब ब्रेक सप्लाई करेंगे। शेरशाह लूप लाइन पे हम इंटर हो रहे हैं अभी और हमारी स्पीड इस वक्त तकरीबन 35 किलोमीटर पर आ रहे हैं। फाइनली शेरशाह इंटर हो गए हैं। शेरशाह से डिपार्चर हो गया है 4:06 पर। अभी हम रिवर चनाब की तरफ रवाना दवा हैं और नेक्स्ट स्टेशन हमारा होगा चनाब वेस्ट बैंक, जिससे हम थ्रू होंगे। टिकट चेक करा लें जी। तो अभी हम मेन लाइन से ब्रांच लाइन पेंटर होने लगे हैं और ये मेन लाइन है। हम ब्रांच लाइन पेंटर हो चुके हैं महमूद कोट कुंदिया सेक्शन पे, और ये जो सेक्शन है ये है लोधना सम्मा और कराची। ये मेन लाइन है ML1 और हम ब्रांच लाइन पेंटर हो गए हैं। अब हमारे पास काशन के अंबार शुरू हो जाएंगे। यह है शेरशाह बाईपास
ये भी ब्रांच लाइन और मेन लाइन को जोड़ती है। और ये जो आगे एक पॉइंट आएगा जहाँ से हम इंटर होंगे, तो इधर से हम शेरशाह जाते हैं और उधर से हम समा जाते हैं महमूद कोट के लिए जाने वाली जो भी गुड्स होती है वो वहाँ से यहाँ से इंटर होकर जाती है। अब हम चनाब वेस्ट बैंक की तरफ गामजन है, जिसमें रिवर चनाब ब्रिज भी शामिल होगी। ये 2010 के सैलाब से अफेक्टेड ट्रैक है, इस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ था और अभी तक वही ट्रैक चल रहा है जिस पे 50 किलोमीटर पर आर का काशन चल रहा है। तकरीबन 50 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से ही हम चल रहे हैं। जब हम रिवर चनाब ब्रिज में इंटर होंगे तो इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे। तो अब हम इंटर होंगे रिवर चनाब ब्रिज में। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस तरह आपको कोई अच्छा व्यू नहीं दे सकते हम, क्योंकि अगर खिड़की खोलेंगे तो सर्दी आएगी, उससे बाकी मुसाफिर भी परेशान होंगे। तो इससे बेहतर है कि आपको ना इसी सीन से ही दिखाया जाए। ये मिट्टी वगैरह लोड हो रही है, ट्रैक्टर्स हैं आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स हैं, इसमें मिट्टी वगैरह यहाँ से लोड होकर जा रही है। क्रेन्स भी वर्क कर रही हैं, थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा तादाद में पत्थर मौजूद हैं। अब हम इंटर हो चुके हैं रिवर चनाब ब्रिज में और यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आर का काशन है, जो कि हम तकरीबन 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पास कर रहे हैं। देखा जाए तो ये ब्रिज तकरीबन 100 साल पुरानी है और अभी तक वैसे की वैसे स्ट्रॉन्ग है। किलोमीटर पर आर स्पीड से पास हो रही है गाड़ी। आई थिंक इट्स इनफ। तो जब निकलेंगे ब्रिज से तो इंशाल्लाह तब की वीडियो फिर शुरू करेंगे। तो फाइनली ब्रिज से हम पास हो गए हैं, अब देखना होगा कि कितनी स्पीड में ड्राइवर साहब जाते हैं। ये जो ट्रैक जा रहा है, ये इस ट्रैक पे भी कभी ट्रेन जाया करती थी, अभी ये ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इस पर अब कोई वर्किंग नहीं है, इस ट्रैक पे। अभी हम इंटर हो रहे हैं चनाब वेस्ट बैंक पे। किसी गाड़ी का कोई स्टॉप नहीं है, यहाँ से हर गाड़ी तकरीबन थ्रू जाती है। समटाइम्स अगर कोई क्रॉस वगैरह बनना हो किसी गाड़ी का, उसके लिए कोई गाड़ी रुक जाती है, अदरवाइज़ सारी गाड़ियां यहां से थ्रू जाती हैं, किसी भी गाड़ी का कोई स्टॉपेज नहीं है इस स्टेशन से। अभी तक हमारी गाड़ी तकरीबन 15 मिनट लेट हो गई है। तो सनामा तक तो मुझे लगता है कि मे बी बढ़ जाए, कशंस बहुत ज़्यादा हैं। आज वैसे भी लोकोमोटिव में डी एन साहब कंपनी कर रहे हैं,
डिविजनल इंजीनियर, वो भी कंपनी कर रहे हैं, तो ड्राइवर साहब कुछ ज़्यादा ही मोहतात होंगे इस मामले में। आज देख लें आप कितनी टाइमली ब्रेक्स लगा रहे हैं ड्राइवर साहब। जैसे टोकन रिसीव करेंगे, असिस्टेंट ड्राइवर टोकन रिसीव करेंगे और गाड़ी थ्रू जाएगी। ये कोई न्यू बिल्डिंग बन चुकी है, जब तकरीबन मुझे तो 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने बाद मैं मुल्तान की तरफ आया हूँ, इस तरफ आया हूँ। ये बिल्डिंग न्यू बनी है जो अभी हमने पास की है। बाय द वे CWB यानी चनाब वेस्ट बैंक एक खूबसूरत स्टेशन है, और हमारे इस सेक्शन पे मौजूद खूबसूरत स्टेशनों में से एक स्टेशन है। इसकी सफाई और इसकी खूबसूरती बहुत ही आला है। तो हम थ्रू हो चुके हैं चनाब वेस्ट बैंक से। बड़े खूबसूरत ट्रीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टेशन होगा वो होगा मुजफ्फरगढ़, जहाँ पे हमारा स्टे होगा, स्टॉप होगा। ये जो सारा ट्रैक जा रहा है ये 2010 के फ्लड से अफेक्टेड ट्रैक है, बट इस पर कोई काम नहीं हुआ था अभी तक, कोई पुराना ट्रैक पड़ा है और उसी ट्रैक पे ही ट्रेन चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ चंद एक जगहों पे इन्होंने काशन लगाए हुए हैं 50 के, अदरवाइज़ कोई काशन नहीं है, यानी 80 या 85 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पास हो सकते हैं। और ये आप जंप्स जो लग रहे हैं इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रैक कैसा है। नामों के बड़े बागात हैं इस साइड पे, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे, जो कि आप देख सकते हैं। ये सारा एरिया जहाँ से हम अभी पास हो रहे हैं, 2010 के फ्लड में ये सारा ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बह चुका था। तो इस पर कोई ख़ासा वर्क नहीं हुआ, बस जुगाड़ के तहत चल रहा है। तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अभी हम चल रहे हैं। फिर से आमों के बागात शुरू हो गए हैं। बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक साउंड है। अभी हम पहुंच रहे हैं मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पे। बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये भी ग्रीनिश एरिया है, हर तरफ ग्रीनरी है। बाय द वे मैं 6 नंबर कोच में मौजूद हूँ। अभी हम मेन लाइन पे, लूप लाइन पे सॉरी इंटर हो रहे हैं मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे। होम सिग्नल हमने क्रॉस कर लिया है इसका, सॉरी आउटर सिग्नल।
तो अभी हमारा अराइवल हो जाएगा मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पे हमारा तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप होगा, इसके बाद हम रवाना होंगे। तो हम मुजफ्फरगढ़ इंटर हो गए हैं। यहाँ पे हम तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे। तो 4:30 पे हमारा डिपार्चर हो गया मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट हमारा स्टेशन होगा थर्मल पावर स्टेशन TPS, जो कि हम थ्रू पास होंगे वहाँ से। और हमारा नेक्स्ट जो स्टेशन जहाँ पे हम स्टे करेंगे, स्टॉप होगा, वो होगा हमारा बुद्ध रेलवे स्टेशन BVD, जहाँ पे हमारा तकरीबन 1 मिनट का स्टॉप होगा। तो थोड़ी रफ़्तार अगर पकड़ती है तो इंशाल्लाह तब आपको इसकी दिखाएंगे रफ़्तार। तो अभी हम ज़रा चाय एंजॉय करने लगे हैं गर्मा गर्म। मुजफ्फरगढ़ के RB है, जो कि ऐसे मिल के RB हैं, तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे लिए चाय भेजी है। तो चाय एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे कज़न स्नैन बलोच भी मौजूद हैं, ये भी चाय पी रहे हैं, चाय एंजॉय करते हैं। और साथ साथ हम इंटर हो रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन पर, जैसे हम थ्रू जाएँगे थर्मल पावर स्टेशन से। अभी हम थ्रू होंगे। ये भी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे किसी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है, यानी 127, 128 और 129, 130, इन चारों ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। यहाँ पे पहले आयल ट्रेन जाया करती थी थर्मल पावर स्टेशन की जाने, जो कि अब बंद हो चुकी हैं, इसकी आमदरफ्त बंद हो चुकी है। तो उस वक्त तो बड़ा उरूज था इन गाड़ियों का, आए रोज़ गाड़ियाँ चला करती थी, आयल टैंकर्स जो के जाते थे थर्मल पावर स्टेशन, जो के सामने आपको नज़र आ रहा है। ये जो ट्रैक जा रहा है, इस ट्रैक के थ्रू जाती थी, और ये ट्रैक जिस तरफ जाएगा आपको इंडिकेट करता हूँ, बताता हूँ, उस तरफ ये गाड़ियाँ चलती थी। ये जो ट्रैक अभी ये देखें, ये जो ट्रैक जा रहा है, इस ट्रैक की तरफ जाया करती थी वो आयल टैंकर ट्रेन, बट अनफॉर्चुनेटली अब बंद हो चुका है। इस ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं चलती और कोई आयल टैंकर ट्रेन नहीं जाती इस तरफ, विच इज़ सो सैड फॉर पाकिस्तान रेलवे। अभी हम बुद्ध पहुंचने वाले हैं, और ये जो एरिया है ना, ये सारा सैंडी एरिया है, डेजर्टेड एरिया है, और मोस्टली यहाँ पे मैंने कैमल्स को भी देखा है, और आबादी इसमें ना होने के बराबर है। हर तरफ आप देख सकते हैं ये सैंडी एरिया और डेजर्ट्स हैं, आबादी यहाँ पे बहुत कम है। तो हमारे जो सेक्शन पे महमूद कोर्ट से शेरशाह तक जो हमारा सेक्शन है, इसमें वाहिद ट्रैक ये वाला है बुध वाला, जिस पे थोड़ा बहुत काम हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे स्पीड लिमिट भी अच्छी है, इस पे 90 तक 95 तक भी जाते हैं ड्राइवर साहब। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रैक पे थोड़ा बहुत काम हुआ है और ये ट्रैक अच्छा है। और इसके अलावा महमूद कोट और गुरमानी के बिटवीन भी काम हुआ था, वो ट्रैक भी अच्छा है, और सनामा और कोटादू के दरमियान भी काम हुआ था, वो ट्रैक भी अच्छा है। बाकी तकरीबन मोस्टली कशंस ही हैं हमारे सेक्शन पे, और स्पेशली दरिया खान से कुनिया तक 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के कशंस हैं, और अनफॉर्चुनेटली उन पर कोई काम नहीं हुआ। बड़ा खूबसूरत एरिया ये भी, डेजर्टेड एरिया, कोई आपको घर नज़र नहीं आएंगे यहाँ पे, दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ सैंडी एरिया नज़र आएगा।
रेत के टीले नज़र आएंगे, डेजर्ट्स नज़र आएंगे और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे मुझे कैमल भी नज़र आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। मोस्टली मैंने देखे हैं यहाँ पे कैमल्स होते हैं। ये ट्रैक इतना अच्छा है कि इस पर स्पीड का पता नहीं चलता कि कितनी स्पीड में हम जा रहे हैं। वैसे तकरीबन इस वक्त हम 85 को टच कर रहे हैं, 85 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ट्रैक है ये। बातों बातों में मैं ये बताना भूल गया हूँ कि द टी वाज फैंटास्टिक। ये ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट। सो फाइनली वी आर अप्रोचिंग बुद्ध रेलवे स्टेशन एंड आल्सो यू कैन सी अ रेयर बिल्डिंग, रेयर हाउस, क्योंकि आपने देखा है कि कोई घर मौजूद नहीं था। अभी कुछ घर यहाँ पे शुरू हुए हैं। Brakes have been applied by the loco pilot. It means we are approaching Budh. तो अभी हम मेन लाइन पे जाएंगे, तकरीबन एक मिनट का स्टॉप करेंगे, उसके बाद हमारा डिपार्चर होगा बुद्ध रेलवे स्टेशन से। अभी हम इंटर हो रहे हैं मेन लाइन पे। ड्राइवर साहब आज कुछ ज़्यादा ही मोहतात हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ DN हु इज़ विजिटिंग द सेक्शन। सो वी हैव अप्रोच, वी हैव अराइव्ड बुद्ध रेलवे स्टेशन एंड वी विल हैव अ 1 मिनट स्टॉप हेयर। 4:50 में हमारा डिपार्चर हो गया बुद्ध से। हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो होगा वो होगा लालपीर, जहाँ से हम थ्रू जाएंगे, और हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा महमूद कोड में। 2 मिनट का हम वहाँ पर स्टॉप करेंगे। अभी हमारा स्लोएस्ट डिपार्चर हो गया है बुद्ध से। अभी तक तकरीबन हम 15 मिनट्स लेट हैं। इस वक्त हमारी रफ्तार है तकरीबन 85 किलोमीटर पर आवर और हम पहुंचने वाले हैं लालपीर रेलवे स्टेशन। लालपीर से हम थ्रू जाएंगे और लालपीर का आपको बता दे लूँ, कभी यहाँ पे भी लोडिंग हुआ करती थी और LR और RL चला करती थी, रावलपिंडी टू लालपीर और लालपीर टू रावलपिंडी। आयल टैंकर्स रावलपिंडी से जो लालपीर आते थे वो लोडेड होता था और इसकी डिकेंडिंग होती थी लालपीर में। इसके अलावा जो LR चलती थी वो लालपीर से रावलपिंडी एम्प्टी आयल टैंकर चलते थे, जो कि अभी तक रिस्टोर नहीं हुए, कुछ अर्सा पहले रिस्टोर हुए थे। तो अभी तक कोई रीज़न मालूम नहीं है कि क्यों अभी तक दोबारा से ये बंद हो गए हैं। इसके अलावा PLHA भी चला करती थी, PLHA और LPHA। PLHA मीन्स पिपरी टू लालपीर, हाई सल्फर, और LPHA मीन्स लालपीर टू पिपरी। तो PLHA जो चला करती थी वो लोडेड होता था और LPHA जो था वो एम्प्टी टैंकर हुआ करते थे। तो अभी इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है लालपीर के लिए, गुड्स ट्रेन यानी आयल टैंकर ट्रेन जो भी होती थी। महमूदकोट यार्ड का आपको बताते हैं, महमूदकोट यार्ड जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि तकरीबन पूरे पाकिस्तान का जो आयल होता है वो महमूदकोट से सप्लाई होता है, कुंदिया के लिए, पेशावर के लिए, रावलपिंडी के लिए, फैसलाबाद के लिए, रोड़ी के लिए, क्वेटा के लिए, सिपी के लिए, सम्मा के लिए। और इसमें वैसे जो इसकी मेन ट्रेन है महमूदकोट की वो है MCA वैक्यूम ब्रेक का लोड होता है महमूदकोट टू चक पिराना, और MCA जो होता है वो एयर ब्रेक का लोड होता है महमूदकोट टू चक पिराना। आयल टैंकर्स ट्रेन है और CM वापस आती है इसकी महमूद चक पिराना से महमूदकोट एम्प्टी आयल टैंकर्स। इसके अलावा MS और MSA चला करती थी कभी,
MS का मतलब है महमूद कोट टू सियाला, और MSA का मतलब है महमूद कोट टू सियाला एयर ब्रेक, यानी वैक्यूम और एयर के लोड चला करते थे। उम्मीद है आज भी कोई MCA होगी महमूद कोट से, तो अभी आपको यार्ड की तरफ ले चलते हैं, महमूद कोट यार्ड की तरफ लाल पीर के बाद आपको यार्ड की पोजीशन बताते हैं। और महमूद कोट का यार्ड भी बहुत खुला यार्ड है और काफ़ी ज़्यादा इसमें आयल टैंकर्स ठहरे होते हैं। उम्मीद है कोई पावर मौजूद होगी, वो भी आपको दिखाएंगे, शंट वगैरह कर रही होगी, लोड तैयार कर रही होगी। लाल पीर हम इंटर हो गए हैं और लाल पीर का आपको यार्ड दिखाते हैं। यहाँ पे कभी डिकेंडिंग हुआ करती थी आयल टैंकर्स की, PLHA की और RL की, बट आजकल सुनसान क्योंकि कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो लाल पीर आती हो जिसकी डिकेंडिंग होती हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई भी आयल टैंकर भी नज़र नहीं आएगा। महमूद कोट आयल डिपो और लाल पीर आयल डिपो बड़े अहमियत के हामिल हैं आजकल, तो स्पेशली महमूद कोट आयल डिपो। यहाँ से हम थ्रू जाएंगे, टोकन मैंने टोकन दे दिए, टोकन रिसीव कर चुके हैं ड्राइवर साहब, तो धुआं भी आप देख सकते हैं, ड्राइवर साहब ने नाचेस अप कर दिए हैं। लाल पीर से थ्रू होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा, हमारा जो है ना वो है लाल महमूद कोट यार्ड। महमूद कोट यार्ड आपको दिखाते हैं, उसके बाद महमूद कोट रेलवे स्टेशन हमारा स्टॉप होगा तकरीबन 2 मिनट्स का। बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक साउंड है इस वक्त, पर हम लाल पीर को छोड़ चुके हैं। नाउ वी आर एंटरिंग महमूद कोट, महमूद कोट यार्ड अब स्टार्ट हो जाएगा। लाइन जा रही है, ये ट्रैक जा रहा है, ये महमूद कोट यार्ड की तरफ जा रहा है, पर हम महमूद कोट मेन की तरफ जा रहे हैं। हम स्टेशन पे जाएंगे और ये यार्ड के यार्ड का ट्रैक है। अभी हमारे पास आयल टैंकर शुरू हो जाएंगे और सैकड़ों की तादाद में आयल टैंकर मौजूद होंगे यार्ड में। अब लंबी लाइन स्टार्ट हो गई है आयल टैंकर की, तो ये है महमूद कोट का यार्ड, एंजॉय करें। इधर कोई पावर मुझे नज़र नहीं आई, लोडिंग जा रही है आयल टैंकर की। ये देखें, ये भाई सामने बैठे हैं और लोडिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा धुआं छोड़ रही है पावर। यार्ड में लोडिंग जा रही है, तकरीबन MCA का लोड तैयार हो रहा है, चक फिराना जाएगा महमूद कोट से। अभी तक कोई मुझे पावर नज़र नहीं आई, इट मीन्स जो भी लोड तैयार होगा वो पावर का वेट करेगा, पावर आएगी तो उसके बाद चलेगा। महमूद कोट कनेक रूम, जहाँ पे ड्राइवर साहबान और गार्ड साहबान जो हैं वो जब ड्यूटी करके आते हैं तो फिर रेस्ट करते हैं। और ये है महमूद कोट का टर्न टेबल, जहाँ से लोकोमोटिव अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। और हम लूप लाइन पे हमें लिया गया है, अब हम लूप लाइन पे इंटर होंगे, महमूद कोट लूप लाइन। महमूद कोट लोकोमोटिव शेड की तरफ भी आपको ले जाते हैं, ये है महमूद कोट लोकोमोटिव शेड की बिल्डिंग आपको दिखाते हैं, जो कि सराउंडेड है आयल टैंकर से। ये महमूद कोट लोकोमोटिव शेड है जो आज बिल्कुल खाली है,
सुनसान है, कोई लोकोमोटिव मौजूद नहीं है आज महमूद कोट लोकोमोटिव शेड में, बिल्कुल खाली। चलें, अब हमारी गाड़ी इंटर हो रही है महमूद कोट, जहाँ पे दो मिनट का हम स्टॉप करेंगे। हो चुका है हमारा महमूद कोट, पाँच बजकर छः मिनट पे हमारा डिपार्चर हो गया महमूद कोट से, और अभी तक हम तकरीबन 15 मिनट लेट हैं। ये जी साद खान साहब, जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है इंशाल्लाह आपको वो स्पीड रिएक्शन दिखाते हैं। 37 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम पास कर रहे हैं और पहुंचने वाले हैं हम गुरमानी। हम तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप करेंगे, उसके बाद हमारा होम टाउन सनामा होगा। सनामा से इंशाल्लाह आपको डिपार्चर भी कैप्चर करेंगे इसका। अभी हम तकरीबन 2-3 मिनट्स में गुरमानी पहुंचेंगे। लूप लाइन पे हमारा अभी अरेवल हो रहा है, अभी तक हम तकरीबन 12 मिनट लेट हैं। गुरमानी रुक चुके हैं हम, और इधर 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम गुरमानी से रवाना होंगे। 5:19 में हमारा डिपार्चर हो गया गुरमानी से, तकरीबन 11 मिनट लेट हैं हम। और जैसे स्पीड पकड़ती है गाड़ी तो इंशाल्लाह आपको स्पीड दिखाते हैं। हम जी लूप लाइन से मेन लाइन पे एंटर हो गए हैं, पहुँच रहे हैं हम सनामा। नेक्स्ट स्टेशन हमारा सनामा होगा, और सनामा का डिपार्चर भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फातिमा शुगर मिल पहुंचने वाले हैं हम, सनामा की 2 शुगर मिल्स हैं, एक फातिमा शुगर मिल और दूसरी शेखू शुगर मिल। तो ये गुरमानी के करीब है फातिमा शुगर मिल, इससे भी बड़ी रौनक होती है। इस वक्त फाटक बंद होने की वजह से शदीद ट्रैफिक ब्लॉक है, रश तो वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गन्ने का सीज़न है,
तो ट्रैक्टर ट्राली बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। आई थिंक कोई काशन वगैरह ऑब्जर्व कर रही है हमारी गाड़ी, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं। कल यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली हुक टूट गया था, इसकी वजह से ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था और माल गाड़ियाँ रुक गई थी। तकरीबन 3 घंटे सनामा में स्टाफ किया था ZBKS स्पेशल ने, ट्रैक क्लियर होने के बाद फिर चली थी वो, तो तकरीबन यहाँ पे फिर उसी वजह से काशन चल रहा है। अभी तक कोई 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लग रही है, तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर का काशन मिला हुआ है। स्टिल स्लो, लेट्स सी कहाँ पे ये काशन ख़त्म होता है। हाँ ख़त्म हो गया, अभी आप ये धुआं देख सकते हैं, इट मीन्स नाचिस अप कर दिए ड्राइवर साहब ने। तो अब देखना ये कि सनामा तक कितनी स्पीड बनाते हैं। खुद तो आपको फातिमा शुगर मिल का भी थोड़ा व्यू देते हैं। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो अभी मैं पहुंचने में लगा हूं अपने होम टाउन सनामा, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मेन हम तकरीबन 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम 3 मिनट अपने फाटक की तरफ रवाना हुआ है। यहाँ पे मेरे छोटा भाई भी वीडियो बना रहा होगा, उज़ैर मुनीर, आई थिंक आप ही उनसे वाकिफ होंगे। तकरीबन 45 किलोमीटर पर आप स्पीड से पास हुए हैं हमारे फाटक से ड्राइवर साहब। तो हम अरावल कर रहे हैं सनामा रेलवे स्टेशन पर, मेन लाइन पे हम इंटर होंगे। जिस रफ्तार से हम पास हुए थे फाटक से उसी रफ्तार में हम जा रहे हैं, क्योंकि मेन लाइन है, मेन लाइन पे स्पीड कम करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ब्रेक हैव बीन अप्लाइड, फाइनली वी हैव अराइव्ड एट आवर होम स्टेशन सनामा। अभी आपको ले चलते हैं इसके डिपार्चर की तरफ। टोकन मैन टोकन लेकर जा चुके हैं और वक्त बताता हूँ 5:31, विसल लगा दिया गया ड्राइवर साहब की जानिब से, तो अभी मूव होंगे, मिलते हैं। मेरे आने से पहले ही डिपार्चर हो गया है, ZERO
डिपार्चर करवा रहे हैं ड्राइवर साहब। जी व्यूअर्स, ये थी मेरी ट्रेन जर्नी जो कि 127 अप से मैंने की है मुल्तान से सनावा तक, जो कि एंड हुई है अभी एक फास्टेस्ट डिपार्चर के साथ। तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, आपको कैसा लगा ये व्लॉग और कैसी लगी मेरी जर्नी, और अपनी सजेशन भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।